प्लांट लेकर के आते हैं, सैपलिंग लेकर के आते हैं, उनको अपने गमलों में, घरों में, ज़मीन में लगाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो प्लास्टिक यूज़ करी जाती है उससे पोल्यूशन बहुत बढ़ता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक गमले तैयार किए हुए हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। सब तो पहला तो मैं डॉक्टर DC सक्सेना को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहना कि उन्होंने ये पेटेंट ग्रांट होया, पेटेंट मिलया है नेशनल लेवल ते नहीं, ये इंटरनेशनल पद्धर ते भी अपना यदि वैल्यू है। और इस पेटेंट से फ़ायदा ये होगा कि जितना जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है प्लास्टिक की वजह से वो दूर करने में ये पूरा सहायक होगा। सब तो पहला तो मैं डॉक्टर DC सक्सेना को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहना कि उन्होंने ये पेटेंट ग्रांट होया, तो ये पेटेंट पंजाब की जिहड़ी एग्रो इंडस्ट्री है तो फार्मर्स लई बहुत ही बेनीफिशियल रहेगा। तो ये जड़ा पेटेंट मिलया है नैशनल लैवल ते नहीं, ये इंटरनेशनल पद्धर ते भी अपना यदि वैल्यू है। तो डॉक्टर सक्सेना नू जापान दे विच ये एक प्राइज़ भी मिल चुका, तो ये पंजाब लई एक बहुत फायदेमंद पेटेंट रहेगा। बात है भी हमारे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर सक्सेना और उनकी टीम को एक पेटेंट भारत सरकार द्वारा दिया गया है, और ये डिपार्टमेंट और कॉलेज के लिए तो बहुत खुशी की बात है ही, और साथ में जो एग्रो इंडस्ट्री है उनके लिए बहुत बहुत ही ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो उनका एग्रो वेस्ट है उसको एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन मिलेगा, उनकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है, और ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। और मैं यही प्रोफेसर सक्सेना से यही चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह के और काम करते रहें और इंस्टीट्यूट का और अपने देश का, भारत का नाम जो है दुनिया में रोशन करें। जी, ये पेटेंट हमें भारत सरकार द्वारा दिया गया है, यहाँ संत लोगोवाल इंस्टीट्यूट में हमने लैब में काम किया था, और इस पेटेंट को आने में करीबन 8 साल लग गए हमें। और इसमें हम लोगों ने ये किया है कि जैसे हम लोग जाते हैं नर्सरी, जाते हैं वहाँ से प्लांट लेकर के आते हैं, सैपलिंग लेकर के आते हैं, उनको अपने गमलों में, घरों में, ज़मीन में लगाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो प्लास्टिक यूज़ करी जाती है उससे पोल्यूशन बहुत बढ़ता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक गमले तैयार किए हुए हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं। उस प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने एक पैलेट्स बनाए हैं, पैलेट्स बनाने के बाद ही गमले बनते हैं, तो उन पैलेट्स को बनाने के लिए जो फार्मुलेशन हम लोगों ने करी है उसके लिए ये हमें पेटेंट दिया गया है। और इस पेटेंट से फ़ायदा ये होगा कि जितना जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है प्लास्टिक की वजह से वो दूर करने में ये पूरा सहायक होगा, और इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी 1 महीने के अंदर ये ज़मीन में पूरा ख़त्म हो जाता है, तो इसका कोई अवशेष नहीं बचता है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और उसी के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट भी मुझे AICT से सेंक्शन हुआ है, जिसमें हम लोग कुछ मशीनें खरीद करके एक पैकेजिंग मटेरियल भी बनाने वाले हैं। तो ये काम मेरे समझ में एक बहुत बढ़िया है, और इसका जब कमर्शलाइजेशन होगा इस पेटेंट का, तो हमारे इंस्टीट्यूट को भी फ़ायदा होगा और जनसाधारण को भी फ़ायदा होगा, जो कि एक मोदी जी की स्कीम है इनोवेशन वाली और स्टार्टअप वाली, उसमें भी फ़ायदा होगा इसका।